बस 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 कुछ ज़्यादा हो गया, चलें आप टॉपिक की तरफ आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो सोचें वो हो जाए? जी चलें ये वीडियो देखें, फिर आपको समझ आएगा। And push it forward, bring it forward, and then what happens is that we use this approach to fly a drone, which is brain controlled, or drive a car. That you can really fly a drone. So we designed these drones, and these drones have little cameras attached to them, and it provides a constant feedback to the electrodes that are mounted on the scalp. And you can fly them through very delicate space within the lab. अगर आप इसे देखें तो ये छोटे से सेंसर्स और कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा कांस्टेंट फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है उस डिवाइस को जो ब्रेन में इम्प्लांटेड है आउटसाइड एज इट कम्स अप एंड इट्स कांस्टेंटली सेंडिंग सिग्नल्स। एंड देन द लैंडिंग इज इवन बेटर देन पीआईएस। तो ये उस सेमिनार की वीडियो है जो मैंने लास्ट टाइम अटेंड किया था। तो ये थे जो बता रहे थे, डॉक्टर नवीद थे, जो कि दुनिया के पहले साइंसदान हैं जिन्होंने अपने दिमाग को ना माइक्रोचिप के साथ कनेक्ट किया है। तो आज मैं आपको मिलवाऊंगा फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड वो कनेक्ट आवर ब्रेन सेल्स विद द सिलिकॉन माइक्रोचिप, डॉक्टर नवीद साहब। सर आप ये बताएं कि आपने इधर इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव एप्लीकेशन दिखाई है BCI की, क्या आपने मिड इन्वेसिव पे भी काम किया है? मिड देखिए जो नॉन इन्वेसिव है वो एक्चुअली इंटरमीडिएट ही है, उसके लिए दोनों तरफ से बातचीत होना ज़रूरी है। तो वो उसमें ये इन्वेसिव से मुराद ये है कि आप ब्रेन को काट के अंदर नहीं लगा रहे, बल्कि सरफेस के ऊपर ही आप उस डिवाइस को लगा रहे हैं सब कॉर्टिकल, उसमें भी आपको दिमाग खोलना पड़ता है, आपको ड्यूरा भी हटाना पड़ता है। सो इट इज एक्चुअली सॉर्ट ऑफ इन्वेस्ट। बात करते हैं मेरे दोस्त बर्थडे की। नेक्स्ट डे ना मेरे दोस्त की बर्थडे थी, हम प्ले से लेकर ना बैटिंग तक अभी साथ होते हैं अक्सर।